अपने आप मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। बिहार सरकार और राजभवन में लगातार तानातानी का माहौल चल रहा था। ऐसे में बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बयान जो है राजभवन के द्वारा जारी किया गया है। देखिए लगातार आपस में जो राजभवन है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार है वो भिड़े हुए थे। ऐसे में जिस तरीके से भीसी नियुक्ति की बातें हो रही थी, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो खींचातानी का माहौल है वो सामने निकल के आ रहा था। ऐसे में बुधवार को नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है, जिसके बाद तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की है। बता दें आपको कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को देखते हुए बीसी की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचातानी की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की है। ऐसे में बैठक के तुरंत बाद राजभवन ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बयान जारी किया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री राजभवन आकर राज्यपाल से मुलाकात तथा उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों पर कहीं ना कहीं समाधान पूर्ण जो है विमर्श किया है। ऐसे में तमाम वार्ताएं हुई है। मुख्यमंत्री का राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात किया जाना बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति वीसी पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के एक दिन बाद हुआ। विभाग द्वारा मंगाए जा रहे आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। तो वहीं राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। ऐसे में बिहार राज्यपाल सह जो है कुलाधिपति सचिवालय ने पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, तो वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, तो वहीं मधेपुरा और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में कुलपति पद के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो वहीं जबकि शिक्षा विभाग मंगलवार को अंतिम जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 को कहीं ना कहीं छोड़कर केवल 5 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को छोड़कर दोनों विज्ञापनों में जो है कहीं ना कहीं पदों के लिए नियम शर्तें लगभग समान है। तो वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और जो है प्रति कुलपति के बैंक खातों को फ्रीज करने, उनमें लेन देन पर रोक को लेकर जो है नीतीश सरकार और राजभवन के बीच पहले से ही टकराव चल रहा था। ऐसे में शिक्षा विभाग ने राजभवन के निर्देशानुसार उक्त विश्वविद्यालयों के शीर्ष अधिकारियों के बैंक खातों को फ्रीज करने के उनके कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने पहले के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। तो वहीं राज्य शिक्षा विभाग ने 17 अगस्त को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के कहीं कहीं कथित विफलता शिक्षा द्वारा जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा विभाग द्वारा जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुलाई गई समीक्षा बैठक में भाग नहीं लेने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन रोक दिया गया है। तो वहीं एक दिन बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रमुख सचिव रॉबर्ट एल चेंग यूथू ने कहीं ना कहीं देखा जाए संबंधित बैंक को एक पत्र भेजा है, जिसमें तत्काल प्रभाव से दोनों अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के खातों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो विनिमय पर रोक हटाने का निर्देश दिया गया। ऐसे में नीतीश कुमार ने मुलाकात किया है, तमाम बातें की है। तो वहीं जिस तरीके से पेच अटका हुआ था कुलपति नियुक्ति को लेकर, इसको लेकर तमाम वार्ताएं हुई है। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर जो है कहीं ना कहीं लगातार वार्ताएं जो है वो सामने निकल के आई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लड़कर से बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात किया, जिसके बाद राजभवन के द्वारा लेटर जारी किया गया जिसमें तमाम बातें कही गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। हमारे सहयोगी कैमरे के पीछे हमें बहुत बहुत धन्यवाद।